हे दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल पर अभी NTPC की तैयारी करवा रहा हूं, तो जितने भी लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पर जुड़ सकते हैं। लगातार आपको वीडियो, मैथ के वीडियो, रीजनिंग के वीडियो, GK GS की वीडियो लगातार देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा बीच बीच में आपको जो गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट होती है वो देता रहता हूँ। जैसे कि आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, तो यहाँ पर एक अपडेट आई है, एक फॉर्म आया है, 10th पास एलिजिबिलिटी है इसकी, और SSC की तरफ से ये वैकेंसी आई है, सेंट्रल की वैकेंसी है, सभी लोग भर सकते हैं। और वैकेंसी पोस्ट कितनी है, 10,000 के आसपास ये पोस्ट है, अप्रॉक्स है 10,000 प्लस, 10,000 से ऊपर ही पोस्टें होंगी, तो सब कुछ जानेंगे। पहले हम सबसे पहले बताएंगे आपको सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस एक ऐसा चीज़ होता है जिसको देखकर लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं। सबसे पहला चीज़ लोग कहते हैं, सबसे पहले लोग वैकेंसी देखते हैं, लेकिन वैकेंसी के पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो, आप क्या उसका फॉर्म भर रहे हो। तो यहाँ पर पहले सिलेबस जान लेते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होने वाला है इसका, तो पहले हम पेपर 1 के बारे में जानेंगे। तो पेपर 1 CBT टाइप होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पर पहले हम जानेंगे इसका पेपर होगा कब। तो देखिए यहाँ पर डेट पहले दिया गया, तो देख लीजिए 2 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक ये पेपर होने वाला है। और आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे जो कि आपका SSC लगातार, जो आपके जितने भी आपके SSC एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आपका होता ही होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, और आपका इसके अलावा GK GS और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, 25 25 25 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पर 120 मिनट उनको मिलेंगे जो यहाँ पर 8.1 पैरा से लेकर 8.2 पैरा तक कुछ एलिजिबिलिटी दी गई होगी, उनको 120 मिनट मिलने वाले हैं। शायद वहाँ पर शायद फिजिकल हैंडीकैप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो पहले ये जान लो भाई कि 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं Tier 1 में, जो कि आपके SSC लगभग 10+2 में, या आप SSC का कोई भी एग्जाम दो तो आप वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 10+ वैकेंसी यानी कि SSC MTX की जो वैकेंसी है वो 10 हाई स्कूल वालों के लिए होती है। तो आप जान सकते हो कि हाई स्कूल में ज़्यादा टफ इंग्लिश, ज़्यादा टफ आपका रीजनिंग, GK GS ये सब नहीं आने वाला है। तो अगर आप एक एवरेज हो इंग्लिश में, अगर आपको लगता है कि आपने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी है लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि 100 रुपये सिर्फ फीस है और 10,000 के ऊपर वैकेंसी है, तो आपका चांस यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं Tier 2 के बारे में। तो Tier 2 यहाँ पर देख सकते हैं, Tier 2 में आपका 50 नंबर का होगा, जहाँ पर शॉर्ट एसे या लेटर राइटिंग आपका इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में आपका हो सकता है, जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके डिपेंड करता है वो आपका वहाँ पर क्या आने वाला है। और आपको यहाँ पर 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा और 40 मिनट फॉर दोज कैंडिडेट, वो पैरा 8.1 से 8.2 में वहाँ पर स्क्राइब किया गया है। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 का टाइप हो गया भाई, मतलब क्या आएगा इसका सिलेबस। तो सिलेबस क्लियर हो गया, सबको सिलेबस की दिक्कत होती है, फॉर्म आता नहीं, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फॉर्म के डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो फॉर्म की डेट है, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा गया, देखिए ये जो फॉर्म है SSC की तरफ से आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं, मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं ये, 10 हाई स्कूल इसकी एलिजिबिलिटी होती है, और 22 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि आज से ये फॉर्म भरना स्टार्ट है। अभी वैसे भी वहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं दिखा रहा है, बट हो सकता है अभी थोड़ा देर में आपको 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद आपको लिंक एक्टिवेट देखने को मिल जाए। तो 22 तारीख को ये वैकेंसी आएगी और ओपन होगी, 29/5 तक ये आपकी वैकेंसी जो है चलेगी। और फीस जो है 100 रुपीज़ है, और लास्ट डे यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ चीज़ों का दिया गया है, तो आप लास्ट डे यहाँ पर देख सकते हैं। और डेट भी यहाँ पर एग्जामिनेशन का दिया है कब तक हो सकता है, तो 2 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर Tier 1, और Tier 2 जो आपका 17 तारीख को आपका होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो ये हो गया आपके डेट्स क्लियर। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई वैकेंसीज़ के बारे में, तो वैकेंसीज़ के बारे में देखिए टेंटेटिव वैकेंसीज़ है, लेकिन ये समझ लीजिए 10K+ 10,000 से ऊपर वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। सरकारी एजेंट पर आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। और एज लिमिट सब लोग पूछते हैं, तो भाई 18 से लेकर 25 तक मैंने देखिए सब कुछ देख लिया है। अब यहाँ पर आपको ढूंढ के दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो को एंड करने में, इसलिए मैं आपको बताता हूँ 18 से 25 इसकी एज लिमिट है। इसके अलावा काफ़ी सारी छूट भी मिलने वाली है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे छूट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन जो कैटेगरी है आपकी, OBC है, SC ST है, इसके अलावा आपका जो भी है, यहाँ पर EWS भी मिलने वाला है, ऐसा नहीं है, EWS भी मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ब्लाइंडनेस, और इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि सिटीजन हो गया, और या जी हाँ यही मैं आपको बताना चाहता कि एज जो लिमिट है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। साफ साफ देख सकते हैं कि एज जो रिलैक्सेशन है SC ST वालों को 5 साल का दिया गया है, OBC वालों को 3 साल का, जो आपने 1825 बताया उसमें बता रहा हूँ, और इसमें PWD वालों को 10 साल का, और OBC PWD में जो OBC है उनको 13 साल का,
और PWD में जो SC ST उनको 15 साल का, और इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है वो 3 ईयर का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। और इसके अलावा यहाँ पर सारे देख सकते हैं दिया गया है। तो इसका मैं एक एप्लीकेशन इससे जो पूरा का पूरा ये जो नोटिफिकेशन है इसका मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने लगभग लगभग आपको यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में बता ही दी है। अब फॉर्म भरिए, स्टार्ट करिए फॉर्म भरना, उसके बाद तैयारी भी करवाई जाएगी, लेकिन पहले आप लोग फॉर्म भरो इसको, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है काफ़ी। मतलब जो ग्रुप डी की रोलवे ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेंगे तो उनका ये भी तैयार हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। समझ में आ गया? तो यही सब जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं इस फॉर्म के बारे में। काफ़ी लोग तो यही सदमे में रहते हैं कि भाई आचार संहिता चल रही है, नई वैकेंसी तो आएगी नहीं। ऐसा नहीं होता है, जो वैकेंसी क्लियर रहती है वो वैकेंसी आती ही आती है। समझ गए? तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।